एक तरफ जहां अपने कर्तव्य को महज ड्यूटी समझने वाले कर्मी होते हैं, वहां कुछ ऐसे भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो मानसिक दबाव और खतरे के बीच अपनी जिम्मेदारियों को न सिर्फ बखूबी निभा रहे हैं बल्कि रोज कोरोना से जंग भी लड़ रहे हैं। नर्स पूजा के घर पर भागलपुर में उनकी माँ समेत पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। माँ की हालत ज्यादा खराब है लेकिन ड्यूटी करनी है। कुछ ऐसी ही कहानी है अररिया सदर अस्पताल में तैनात नर्स पूजा कुमारी की। आइए देखें ये रिपोर्ट। ये है सदर अस्पताल में कोविड जांच केंद्र में कार्य कर रही नर्स पूजा, जो कोरोना के पहले फेज और अब दूसरे फेज में भी लगातार सदर अस्पताल में कोरोना योद्धा की तरह डटी हुई हैं। नर्स पूजा ने बताया कि उनकी मां पॉजिटिव हैं और गंभीर भी हैं, जो कि भागलपुर में है। उनका कहना है कि घर जाने का मन तो कर रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है जो निभानी है। कोरोना को लेकर जो आप काम कर रही हैं और इस तरह का दबाव रहता है? दबाव पे प्रेशर इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ में कोरोना सर सारा पेशेंट का जांच करना देखना सबको, पॉजिटिव भी बहुत आ रहा है अभी आज। दबाव भी रहता होगा क्योंकि आपने बताया कि घर में माँ जी, मेरे घर में ऑल फैमिली पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छा। अभी तो यहाँ हम अररिया में रह रहे हैं, भागलपुर में मेरा फैमिली है, वो ऑल फैमिली पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बावजूद भी मैं काम कर रही हूँ कोविड-19 में। मानसिक दबाव में रहता है कि जाके माँ को देखें? जी मन तो कर रहा है कि जाके देखें लेकिन हम लोग का सारा छुट्टी अभी कैंसिल है, छुट्टी नहीं मिल सकती है जाने के लिए। जी खतरा तो बना हुआ रहता है। फिर कैसे काम हो पा रहा है, इतना हिम्मत जो है कैसे फिर मिल पा रहा है? हिम्मत से काम करते हैं सर, डर तो अंदर से लगता है फिर भी पेशेंट को फील नहीं होने देते हैं, और पेशेंट को अच्छे से समझाना, अच्छे से रहिए, प्रिकॉशन के साथ रहिए, पॉजिटिव पेशेंट जो आते हैं उसको समझाते हैं, मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, घर में अलग रहिए सबसे, मेडिसिन दीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है, सदर हॉस्पिटल अररिया में है ना। वहीं पूजा के पति भवेश भी बताते हैं कि मेरी पत्नी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। कोविड जांच केंद्र में वो खतरों के बीच पिछले एक वर्ष से काम कर रही हैं। मुझे उन पर गर्व है। मानसिक दबाव और खतरों के बीच पूजा घर परिवार को भी चला रही हैं। आज जी अब ठीक है, सदर अस्पताल में इनकी ड्यूटी है। हाँ इनकी अस्पताल में ड्यूटी है सदर अस्पताल में। मानसिक और तनावग्रस्त तो हम लोग रहते ही हैं लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग का ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। इस स्थिति में इसका तो वीकली एक दिन ऑफ भी नहीं है क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि तो ड्यूटी जाना ही पड़ जाता है काम, लेकिन अपने ड्यूटी में पूरी ईमानदारी। हाँ वो काम जो है कि सुबह में अपना 9 बजे तक पहुँच के अपना सारा जो है कि फिर 3 बजे तक अपने ड्यूटी योगदान दे रही है, जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपना सारा जो है कि कार्यभार अपने स्थिति के अनुसार कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भवेश कुमार कुमारवा, और हम लोग यहाँ अररिया में रूम पे रहते हैं, और मेरी वाइफ सदर अस्पताल अररिया में जॉब कर रही है और उसका जो है कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगा हुआ है। एक्चुअली हमारे घर में सारे लोग जो है पॉजिटिव हो गए हैं और हम लोग जो वहाँ से भेंट करने भी नहीं जा सक रहे हैं, और इस स्थिति में हम भी जॉब कर रहे हैं और वाइफ भी मेरी करती है, अकेला बच्चा यहाँ रहता है उसके साथ में, एक मानसिक रूप से हम लोग बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, और इस स्थिति में भी हम लोग अपना योगदान जो है कि सारे ग्रामीण रहे चाहे अपने शहरवासियों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जरा ठहरिए और गहरी सांस लेकर सोचिए कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो कोरोना पॉजिटिव भी है, फिर भी कोरोना के दूसरे फेज में माँ से ज्यादा जिम्मेदारी अपने कर्तव्य की हो तो फिर क्या करेंगे आप। पूजा जिस कोविड सेंटर में ड्यूटी कर रही है वहाँ रोजाना पॉजिटिव मरीज भी निकल रहे हैं, ऐसे में से 24 लाइव अररिया के कोरोना योद्धा पूजा को सल्यूट करता है।